हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं क्लास नाइन्थ मोशन चैप्टर, सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। टिल टुडे वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट टॉपिक्स लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड एक्सेलरेशन। नाउ वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बिकॉज न्यूमेरिकल्स मेक्स अवर कॉन्सेप्ट्स मोर स्ट्रॉन्ग। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हो तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी डेफिनेशन समझना हो तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, उसका न्यूमेरिकल लगाना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल दैट इज गिवन। अ फार्मर मूविंग अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 12 meters। सपोज नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। अ स्क्वायर फॉर्म इज़ गिवन और द फील्ड इज़ गिवन ऑफ साइड 12 meters, मीन्स जो खेत है उसकी जो साइड है ये कितनी है, 12 meters है सारी। इट इज़ गिवन, ओके, ऑल साइड्स आर गिवन 12 meters, क्लियर। और नाम भी रख लेते हैं, ए बी सी डी, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट अ फार्मर मूविंग अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 12 meters कंप्लीट्स इट्स वन राउंड इन 50 seconds, ओके, कंप्लीट्स इट्स वन राउंड इन 50 seconds। यानी इस मैदान का चक्कर अगर फार्मर यहाँ से चलना शुरू करे ए पॉइंट से, तो वो अपना चक्कर कितनी देर में लगा लेता है, ए पॉइंट से अपना चक्कर कितनी देर में लगा लेगा, 50 seconds में। ठीक है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन 50 seconds लगाता है, ये हमें दिया हुआ है 50 seconds लगता है एक चक्कर लगाने में। अब ये जो एक चक्कर है इसकी अगर हम डिस्टेंस निकालें मीटर में कितनी होगी, तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड। हम ये भी तो पता करें ना एक चक्कर में उसने कितना डिस्टेंस कवर की, तो दिस पहले ए से बी गया, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ए आ गया। तो इसका मतलब उसने जो पेरीमीटर है इसके बराबर डिस्टेंस कवर की ना, इक्वल टू दी पेरीमीटर ऑफ दी स्क्वायर फील्ड की जो पेरीमीटर है उसके बराबर इसने डिस्टेंस कवर की। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 into side, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 into side, तो 4 side कितनी है, 12 48 meters, यानी 48 meters कवर करने में उसे 50 seconds लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 20 minutes and 30 seconds। हमें ये बताना है कि 20 minutes और 30 seconds में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, तो हम ये पता करेंगे कि देखो हमें टाइम दिया हुआ है सेकंड में, और यहाँ टाइम जो पूछा गया है वो मिनट और सेकंड दोनों में दिया है। तो लेट्स फर्स्ट चेंज द टाइम इन सेकंड, तो टाइम इन सेकंड, फर्स्टली वी विल कन्वर्ट टाइम इन सेकंड, तो 2 into 60 plus 30 seconds, तो दिस विल बी 120 plus 30, दिस विल बी 150 seconds, दिस विल बी 150 seconds। अब यानी हमें यह बताना है कि 150 seconds में कितने चक्कर लगाता है। ठीक है, 150 seconds में ये कितने चक्कर लगाता है, तो सर हमने पढ़ा है एक चक्कर 50 seconds में लगाता है, कितने में लगाता है, 50 seconds में लगाता है। अब इसी बात को हम उल्टा भी कह सकते हैं कि 50 seconds में एक चक्कर लगाता है, कह सकते हैं ना, वन रेवोल्यूशन, तो 150 seconds में कितने लगाएगा, 1/50 into 150 लगाएगा ना, ऐसे तो लगाएगा। तो इसे सिंपलीफाई कर लीजिए, ये हो गया 3, यानी कि 3 revolution, कितने चक्कर लगाएगा, 3 चक्कर लगाएगा,
ठीक है, अभी हमने जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको अपने हिसाब से ज़रूरत के अकॉर्डिंग चेंज की हैं चीज़ें। तो अब हमें क्या मिल गया है कि तीन चक्कर लगाएगा एक 150 सेकंड में। तो तीन चक्कर का मतलब क्या हो गया, हमें डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस कवर्ड इन 3 रेवोल्यूशन पता करनी है ना, क्योंकि इतनी देर में तो पता चलेगी, ये हमने टाइम से पता कर लिया ना, इतने टाइम में तो पता करना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 रेवोल्यूशन, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू डिस्टेंस कवर्ड, 3 इंटू डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, है ना, 1 रेवोल्यूशन में जितनी डिस्टेंस उससे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 इंटू एक में कितना चक्कर लगता है, 48 लगता है ना, 48, तो 48 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए इसको, 144 मीटर, दिस विल बी 144 मीटर। चक्कर लगाएगा, क्लियर। अब नेक्स्ट हमें क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मेंट कितना हुआ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, एम आई राइट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो देखो चक्कर चलना कहाँ से स्टार्ट हुआ है, अगर हम वापस देखें क्वेश्चन को, तो हमने ए से चलना शुरू किया, तो पहला चक्कर ए पे पूरा हो गया, फिर दूसरा चक्कर फिर हम ए पे आ गए, फिर तीसरा चक्कर चल के फिर हम ए पे आ गए, यानी इस केस में इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन, दोनों एक ही हैं, क्या है वो ए, तो जब ये दोनों एक ही हैं तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो, ठीक है। दिस वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बाइकर राइड्स 700 मीटर इन नॉर्थ, 300 मीटर ईस्ट, 400 मीटर नॉर्थ, 600 मीटर वेस्ट, 1200 मीटर साउथ, 300 मीटर ईस्ट एंड फाइनली 100 मीटर नॉर्थ, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बाइकर, ठीक है। तो पहले तो हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। तो दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ओके। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, तो ये पॉइंट ए है, ठीक है। ए से नॉर्थ में जो बाइकर है 700 मीटर गया, तो नॉर्थ किधर है, ऊपर, तो 700 मीटर हम ऊपर गए, ठीक है, बी पॉइंट तक, कितना 700 मीटर, ठीक है। और फिर कहाँ गए हैं, एंड 300 मीटर इन ईस्ट, अब 300 मीटर किधर गए हैं, ईस्ट, तो अब ईस्ट किधर है, इधर, तो 300 मीटर ईस्ट चले गए सी पॉइंट तक। फिर 400 मीटर नॉर्थ, फिर कहाँ गए, 400 मीटर नॉर्थ गए, फिर कहाँ गए हैं, 400 मीटर नॉर्थ, तो ये नॉर्थ गए हैं ऊपर, कितना 400 मीटर नॉर्थ ऊपर गए। फिर 600 मीटर वेस्ट गए हैं, 600 मीटर वेस्ट, 600 मीटर, ये हमारा 600 मीटर वेस्ट है, ठीक है। इसे इधर कट करके दूसरे पेज पे बनाते हैं, ठीक है, इधर जगह नहीं है ज़्यादा, इधर बनाते हैं फिर से। तो ये बना लेते हैं अपना ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, बड़ा डायग्राम बनाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ए पॉइंट से चलना शुरू किया, पहले कितना गए थे 700 मीटर, 700 मीटर गए हम बी तक, फिर क्या गए हैं, फिर गए हैं ईस्ट 300 ईस्ट सी तक गए हैं, कितना 300,
फिर उसके बाद हम गए हैं 400 मीटर नॉर्थ, 400 मीटर नॉर्थ, 400 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर की तरफ है। फिर 600 मीटर वेस्ट, अब 600 मीटर वेस्ट चले गए, वेस्ट इधर है, तो ये 600 मीटर हो गया वेस्ट। और फिर उसके बाद 1200 मीटर साउथ आए हैं हम लोग, कितना है 1200 मीटर साउथ, तो ये 1200 मीटर साउथ आ गए ना, ज़्यादा चलेंगे यहाँ से हम थोड़ा, क्योंकि 700 और 400 ये कितना हो गया 1100 ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा चलेंगे इधर, ये हो गया 1200 मीटर, ठीक है। और फिर हम कितना चले हैं फाइनली 100 मीटर नॉर्थ, सॉरी 1200 मीटर साउथ चले हैं, फिर उसके बाद चले हैं 300 मीटर ईस्ट, ईस्ट इधर आ गए 300 मीटर, 300 मीटर ईस्ट आ गए। और फिर कहाँ पहुँच गए हैं फाइनली 100 मीटर नॉर्थ, अब 100 मीटर नॉर्थ आ जाओ 100 मीटर, ये कितना पॉइंट हो गया था हमारा सी डी, फिर ई पे आए, फिर एफ, फिर जी, फिर फाइनली एच पॉइंट पे आ गए हम, और कितना चले हैं यहाँ तक 100 मीटर, ठीक है। तो अब हमें बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू एच, डिस्टेंस बतानी है हमें, डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस यू नो दैट वी जस्ट एड द वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोशन, सॉरी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस विल बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ, एफ जी प्लस जी एच, दिस विल बी द डिस्टेंस कवर्ड ना, तो सारी वैल्यू रख दो यहाँ से यहाँ तक 700, 300 प्लस 400 प्लस 600 प्लस 1200 प्लस 300 प्लस 100 प्लस कितना हो गया 100 हो गया। तो इसको हम अगर जोड़ते हैं तो ये आएगा 700, 300, 1000 एंड दिस विल बी 1000, 2000, 2000 एंड दिस विल बी 3200 एंड 3500 एंड 3600, दिस विल बी 3600 मीटर, डिस्टेंस इज 36, ओके। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, वी नीड टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए टू एच, ठीक है। तो हम सवाल चेक करते हैं ज़रा एक बार, देखो मैंने यहाँ पर ये अलग अलग बनाए क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि ये दोनों पॉइंट अलग अलग ही रहें या एक ही रहें, ये तो हमें बाद में मालूम चलेगा, ठीक है। तो इसकी जब हम इसका डायग्राम बनाएं, जब आप इसका एक डायग्राम बनाइएगा तो सबसे सही तरीका क्या है, इसे स्केल से बनाइएगा, हर एक सेंटीमीटर को क्या मान लेना है हमें, एक सेंटीमीटर 100 मीटर के बराबर मान लो, ठीक है। एक सेंटीमीटर किसके बराबर है, 100 मीटर के बराबर है। तो उस हिसाब से अगर हम ध्यान से देखें तो देखो यहाँ से यहाँ तक 700 मीटर है, ठीक है। पहले इधर ध्यान से देख लो, पहले ये कितना है 1200 मीटर, ठीक है। तो अगर इधर ये 1200 मीटर है सब कुछ, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये पॉइंट तो फिर यहाँ आ जाएगा। तो देखते हैं क्या ये 1200 और ये डिस्टेंस भी 1200 है, देखो 400, 700, 1100, दिस इज 100, ये सारी डिस्टेंस अगर जोड़ लो तो ये इसके बराबर ही तो हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही है। तो इसका मतलब कि जो ये पर्सन है चलता चलता वापस ए पे ही आ गया होगा ना। तो यहाँ पर ये बात ध्यान से समझ लो कि ये कैसे हो गया है हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी ज़ीरो, कैसे हो जाएगी, देखो ये 1200 है ना 1200, और इधर की डिस्टेंस अगर 1200 हो जाए हमारी, देखो 400, 700 कितना हो गया 1200 एंड दिस इज 100, अगर ये दोनों
ये ज़्यादा तो हो नहीं सकती है इससे, क्योंकि दूरी तो इतनी ही होनी चाहिए इधर इधर दोनों तरफ, है ना, होनी चाहिए। तो जब ये दूरी और ये सारी दूरियाँ सब जुड़ के 1200 हो रही हैं टोटल, तो इसका मतलब हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, जीरो। ठीक है, ये सवाल ना समझ में आए तो आप फिर से पूछ सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 18 मीटर इन 4 सेकेंड एंड अनदर 18 मीटर इन 2 सेकेंड, वॉट इज द एवरेज स्पीड, वॉट इज दी एवरेज स्पीड। सो सोल्यूशन, वी नीड टू, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कितनी टोटल डिस्टेंस कवर की है इसने, यू नो दैट पहले 18 मीटर की थी, फिर दोबारा 18 मीटर की, तो कितनी हो गई, 36 मीटर। एंड टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लिया, टोटल टाइम इज 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, दिस विल बी 6 सेकेंड। एंड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस इज 36 मीटर एंड टोटल टाइम इज 6 सेकेंड, सो 6 6 जा, सो स्पीड विल बी 6 मीटर पर सेकेंड। ओके क्लियर, हमें टोटल डिस्टेंस निकाल ली, टोटल टाइम कितना था, एवरेज स्पीड निकालनी थी, हमने क्या किया, फार्मूले को फार्मूले में वैल्यू रख के सीधे सीधे डिवाइड कर दिया। क्लियर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नाउ डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लेवल ट्रैक पासेस अ पोल इन 5 सेकेंड। ठीक है, तो हमने माना कि एक ट्रैक बना लेते हैं, ठीक है, ये हमने एक ट्रैक बना लिया बड़ा सा, ऐसे एक ट्रैक है ट्रेन का, ठीक है, ये रेलवे ट्रैक है, ठीक है, इस पर एक ट्रेन जो है वो जा रही है, जिसकी जो लंबाई है वो कितनी दी हुई है, ये एक ट्रेन मान ली हमने जो इस ट्रैक पर जा रही है, ठीक है, इस ट्रैक पर एक ट्रेन जा रही है जिसकी लेंथ कितनी है, 100 मीटर, कितनी है 100 मीटर, और यहाँ पर एक पोल लगा हुआ है, ठीक है, ये एक पोल है, इस पोल को ये 5 सेकेंड में क्रॉस करती है, मतलब यहाँ से ये ट्रेन मान ले, अगर पेन को ट्रेन मान ले तो क्या हुआ, ये 100 मीटर का पेन है, ये इसे क्रॉस करने में इसे कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है, 5 सेकेंड। तो टाइम टेकन टू क्रॉस द पोल 5 सेकेंड, कितना है, 5 सेकेंड है। और डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ती है ट्रेन को पोल से, अब देखो जितनी बड़ी ट्रेन है उतनी डिस्टेंस लगेगी, जैसे ये पेन 100 मीटर का है, तो इस पोल स्टार्ट किया ये पॉइंट और इसे गुजरने में पूरा कितना डिस्टेंस कवर करनी पड़ी, 100 करनी पड़ी ना पेन की लेंथ के बराबर, तो कितनी डिस्टेंस कवर की इसने, डिस्टेंस कवर्ड कितनी हो गई, किसके बराबर होगी, लेंथ ऑफ द ट्रेन के बराबर, लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के बराबर ही तो लंबाई होगी डिस्टेंस की, ये कितनी दी हुई है हमें, 100 मीटर। तो पहला पार्ट हमें क्या बताना है, ए पार्ट स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड कितनी हो गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अभी स्पीड कितनी है, आप सॉरी डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर, टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड, तो दिस विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ट्रेन को कितना टाइम लगता है पोल क्रॉस करने में, 20 मीटर पर सेकेंड। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट द टाइम इट विल टेक टू क्रॉस अ ब्रिज 500 मीटर लॉन्ग। ठीक है, अब की बार क्वेश्चन क्या है, इसे ध्यान समझो, जैसे एक ब्रिज बना हुआ है, इस तरीके से एक ब्रिज बना लेते हैं, अब की बार हमारी ट्रेन की लंबाई से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रेन की लंबाई से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ब्रिज है जिसकी लेंथ कितनी है, 500 मीटर।
अब ट्रेन हमारे लिए ट्रेन की लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अभी सवाल में, ठीक है। आगे चल के तो ये सारी बातें भी मैटर करेंगी, लेकिन अभी हमारे लिए केवल इतना समझना जरूरी है कि एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन जा रही है मान लिया, ठीक है। अब ये एक ट्रेन जा रही है, अब ये ट्रेन ये 500 मीटर का पुल कितनी देर में क्रॉस करती है, ठीक है। अब इस ट्रेन की स्पीड तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है ट्रेन, चल रही है ना, वही वाली ट्रेन तो है। अब ये ट्रेन जो है ये ब्रिज को कितनी देर में क्रॉस करेगी, तो देखो स्पीड ऑफ द ट्रेन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ऑफ द ट्रेन कितनी निकाल चुके हैं, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। डिस्टेंस नीड टू कवर कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, 500 मीटर। तो टाइम, और हमें फाइंड क्या करना है, टाइम, वी नो द फार्मूला ऑफ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस इज 500 मीटर, टाइम वी नीड टू कैलकुलेट, ओके, एंड स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड, सो दिस विल बी 20 × t इज इक्वल टू 500, एंड टी विल बी 500/20, दिस विल बी 25 सेकेंड, ओके, दिस विल बी 25 सेकेंड, दिस इज योर आंसर, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नाउ द नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अब ये जो अगला क्वेश्चन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इसे देखिए। इसमें कह रहे हैं ए फ्रॉग हॉप्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक है। एक कोई फ्रॉग है जो ए से बी तक हॉप किया, यानी कि कूदता हुआ ए से बी तक आया, 10 सेकेंड लगे उसे, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में उसे कितना सेकेंड लगे, 10 सेकेंड। उसके बाद वो जब यहाँ आया तो उसने फिर से वापस छलांग लगाई, फिर वो किस पे गया, सी पर गया, अब की बार उसे कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड लगा। तो कैलकुलेट करना है हमें एवरेज स्पीड कितनी होगी और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी अगर वो ए से बी तक जाए, या ए से सी तक जाए बी से होता हुआ, दो क्वेश्चन है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, आंसर फर्स्ट पार्ट का कैलकुलेट करते हैं, ए टू बी हमें फाइंड करना है पहले, क्या क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, क्लियर। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सर हमें क्या होता है फाइंड करना है, देखो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू नेट डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, ओके, एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो देखिए ए से बी तक, ए से बी तक अगर हम देखें केवल, ठीक है, तो हमें केवल इतने डायग्राम से मतलब है, बाकी का बेकार है हमारे लिए। तो ए से बी तक डिस्टेंस कितनी कवर होती है, तो देखो मैंने जब आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताया था तो मैंने ये बताया था कि डिस्टेंस के केस में हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आंसर हमारा प्लस में है कि माइनस में है, हम डिस्टेंस में तो सब कुछ जोड़ लेंगे। ए से बी तक जाने में उसे कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी, ये यहाँ से यहाँ तक 7 है और ये कितनी हो गई 2, और यानी टोटल कितनी डिस्टेंस हो गई, 9 मीटर कवर करनी पड़ी ना, ये मीटर्स में दिया हुआ है, 9 मीटर डिस्टेंस कवर करनी पड़ी इसे, और टाइम कितना लिया इसने, 10 सेकेंड, तो दिस विल बी 0.9 सेकेंड। अब नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ए और बी के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें देखनी है कितनी है, तो देखो ए से बी के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी इतनी ही है, 9 मीटर ही तो रहेगी या बदल जाएगी, जब तक हम चलते हुए अपनी डायरेक्शन नहीं बदलते तब तक प्लस माइनस से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अभी तो हमने डायरेक्शन बदली नहीं है, हम ए से बी तक ही तो गए हैं, तो हमारी सारी वैल्यू किस में रहेंगी, एक तरफ सारी की सारी प्लस में, एक तरफ सारी की सारी माइनस में। तो अगर हम इधर की अपनी सारी एक तरीके से मान लें तो ये कितनी है, एक ही डायरेक्शन में मान लें तो ये कितनी हुई, प्लस की हुई, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो मैं कितनी हो गई, नेट डिस्प्लेसमेंट 9 मीटर, टाइम सेम 10 सेकेंड लगा, तो दिस विल बी 0.9 सेकेंड आंसर हो गया हमारा, ठीक है। नाउ इन द सेकेंड पार्ट, अब जो सेकेंड पार्ट पूछा जा रहा है,
सेकंड पार्ट में हम ध्यान दें, ये पूछ रहे ए से सी तक की, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, ए से सी तक। अब ए से सी बी से होता हुआ, क्योंकि पहले तो अब ये फ्रॉग बी पे था, फिर किस पे आया, सी पे आया, तो हम फिर से निकालेंगे। अब क्या है, फ्रॉम ए टू बी फिर सी, है ना, हमें ए से सी ही निकालना है, लेकिन कहाँ से, बी से होता हुआ, तो हमें सारी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी ना। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, देखो, नेट डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, तो देखो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ी इसे, ए से बी तक, फिर बी से सी तक, तो हम ए से बी तक डिस्टेंस प्लस बी से सी तक डिस्टेंस, और इनके बीच में टाइम कितना लगा था, देखो ये ऊपर ही बताया गया क्वेश्चन में, टाइम लगा था ए से बी तक 10 सेकेंड, और फिर बी से सी तक कितना लगा है, 5 सेकेंड, तो ए से बी तक कितना टाइम है, टी ए टू बी कितना होगा और टी बी टू सी कितना होगा, हमें ये लिखना होगा ना, तो हमने ये नोट कर लिया। तो ए से बी तक कितनी डिस्टेंस है, हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं 9, ठीक है, और फिर बी से सी तक कितनी है, ये देखो 1 2 3 4 5, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये 3 हो गई और ये 2, 5 हो गई टोटल, तो दिस इज 5 अपॉन टाइम कितना लगा है, 10 प्लस 5, ये हो गया 14 अपॉन 15, दिस विल बी, अगर आप इसे डिवाइड करो, इट विल बी समथिंग 0.93 or 0.94 के समथिंग आएगा, ठीक है, दिस इज 0.93। नाउ द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी विल बी नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, ठीक है, तो देखो टोटल टाइम तो उतना ही रहेगा, 10 प्लस 5 रहेगा, क्योंकि ए से बी तक जाने और बी से सी तक जाने में, लेकिन सर डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पर अब हमें ध्यान देना होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो अब हमें ए से सी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखनी है, केवल ए से सी तक के बीच में, तो ये कितनी है, ये 7 है, ये 3 है, 7 - 3 कितना हो गया, ये 7 - 3 दिस विल बी 4, 4 अपॉन 15, तो ये घटाओगे तो कितना आएगा, लगभग 0.26 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। देखो ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ध्यान से लगाने पड़ेंगे, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, आप नेट से सर्च कर सकते हो एक्सरसाइज, आप क्वेश्चन लगाना कोशिश करो। आज हम लोग केवल ये स्पीड और वेलोसिटी के न्यूमेरिकल तक रहते हैं, आप पहले आप इन न्यूमेरिकल्स को लगाइए, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, आज के लिए ही केवल इतने न्यूमेरिकल्स काफ़ी रहेंगे, प्रैक्टिस करिए, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।